अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में वृद्धा आश्रम में आयोजित साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग आध्यात्मिक शैक्षणिक कार्यशाला चौथे दिन भी जारी रहा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला के चौथे दिन मुद्रा एवं बंध विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ, मुख्य वक्ता के रूप में नाथ योग एवं नेचुरोथेरेपी केंद्र के निदेशक डॉक्टर जयंत नाथ, योगाचार्य डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। योग शिविर को संबोधित करते हुए कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज ने कहा कि मुद्रा शरीर की वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें शरीर के किसी अवयव विशेष को स्थिति में रखकर चित्त को एकाग्रचित किया जाता है, साथ ही मुद्रा कुंडलिनी जागरण में सहयोगी होती है। उन्होंने आगे कहा, मैं इसका दृष्टा हूँ, शरीर ब्राह्मण वैश्य क्षेत्र शूद्र हो सकता है, मैं नहीं हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ। शरीर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ वानप्रस्थी सन्यासी हो सकता है, मैं नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। यदि मैं दृष्टा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कौन? तो संभवतः मैं पंच ज्ञानेंद्रिय हूँ, क्योंकि आंख अंधा होने से मैं बोलता हूँ, मैं अंधा हूँ। आई एम ए ब्लाइंड मैन। कान बहिरा होने से मैं बोलता हूँ, मैं बहिरा हूँ। तो मैं इंद्रिय हूँ, मैं इंद्रिय हूँ। मेरे प्रश्न आता है, आप इंद्रिय है, आप पंच ज्ञानेंद्रिय है, आप अंधे हैं, चतुर्विद अंतकरण में नहीं हूं।
और जब ज्ञान इंद्रिय में नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं सीधा सत्यम ज्ञान आनंद संब्रह्म में ही सत्य चित्त आनंद ब्रह्म में ही हूँ। तो ये जो आत्मज्ञान हो जाता है ये जो साधना द्वारा अज्ञान दूर हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। किंतु अज्ञान वशतः अस्मिता वशतः ये ज्ञान नहीं होता है। अस्मिता होता है अहंकार, मैं शरीर हूँ, मैं मां हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार, मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, संन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी, ये जो ज्ञान इसको अस्मिता होता है। ये अस्मिता दूर होता है ये महामुद्रा अभ्यास करने से दूर होता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष, राग किसको बोलते हैं? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थान प्रति आपका आकर्षण है। कोई व्यक्ति को आप प्यार करते हैं, स्थान को प्यार करते हैं, कोई वस्तु का प्यार करते हैं, आपका अच्छा लगता है, आपका आकर्षण है, इसको बोलते हैं राग। आकर्षण इसके प्रति आकर्षण है। बहुत दिन के कॉलेज में अध्यापना करने के बाद यदि आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपका अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिन तक रहा, आपका एक अटैचमेंट आ गया कॉलेज प्रति, आपका स्टूडेंट के प्रति, ये कॉलेज प्रति एक अटैचमेंट है, तो ये आकर्षण है, इसको बोल रहे हैं क्या? ये होता है राग द्वेष। जो व्यक्ति वस्तु स्थान जिसको आप लाइक नहीं करते, देखने से आपको घृणा आता है, घृणा आ जाती है, तो ये होता है द्वेष, राग और द्वेष। और लास्ट में अभिनिवेश, अभिनिवेश मीन्स ये बहुत बढ़िया बात है, अभिनिवेश मीन्स मृत्यु भय। मृत्यु, मृत्यु को कौन नहीं डरता? मृत्यु को सब लोग डरते हैं, सारा दुनिया मृत्यु को डरता है, ब्रह्मा भी मृत्यु को डरते हैं। और जो मृत्यु लिखा है एक लाइन है, मृत्यु भय ब्रह्मा प्राणायाम परायण, मृत्यु भय से ब्रह्मा प्राणायाम अभ्यास करते हैं। मृत्यु को सब लोग डरते हैं लेकिन सबको मृत्यु वर्ण करना पड़ता है। ये दुनिया का नाम क्या है? मर्त्य, मर्त्य मंडल, यहाँ जो आधा है वो